कैसे हैं आप सब? सब अच्छे से हैं ना? वेरी गुड। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारी किसकी क्लास है? आज है हमारी हिंदी की क्लास। और अभी तक हमने मात्राएं पढ़ चुके हैं हम। कौन कौन सी मात्रा पढ़ चुके हैं हम, जल्दी से बताइए। बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, और से औरत। हम ये मात्राएं पढ़ चुके हैं और हमने इनको बार बार रिवाइज भी किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो और से औरत के बाद में क्या आता है, अब आप मुझे बताएंगे। और से औरत के बाद में क्या आता है, जल्दी से बताइए। वेरी गुड। और से औरत के बाद में आता है अंग से, अंग से अंगूर। वेरी गुड। तो आज हम यही पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे अंग से अंगूर की मात्रा। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे अंग से अंगूर की मात्रा। तो आपने देखा है ना, अंग से अंगूर कैसे बनता है। हम अ बनाते हैं, हम उसके ऊपर एक छोटी सी बिंदी लगाते हैं, तो ये बन जाता है अंग, अंग से अंगूर। ठीक है, तो आप ही देखिए जरा कि अ में बिंदी लगाई तो अंग बन गया, अंग। ऐसे ही जब हम वर्णों में अंग की बिंदी लगाते हैं तो उनका उच्चारण कैसे करते हैं, पहले हम ये देखते हैं। तो देखिए, अगर ये क से कबूतर है, क से कबूतर में अगर मुझे अंग की मात्रा लगानी है तो मैं कैसे लगाऊंगी, मैं क्या करूंगी, इस वर्ण के ऊपर एक गोला बना दूंगी, एक बिंदी बना दूंगी। इसको अब मैं पढ़ूंगी कंग, कंग, कंग। ठीक है, कन, ठीक है, कन, पंग, जैसे कि कन, 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 प पे लगाएंगे तो पंग, पंग, पंग। न का उच्चारण इसके साथ में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अंग, पंग, कंग, खंग। ठीक है, इस तरीके से न को और वर्ण के उच्चारण को जोड़ देते हैं और उसी उच्चारण से हम अंग की मात्रा का उच्चारण करते हैं। आया समझ में आपको? चलिए, अब सबसे पहले हम अपनी किताब से पढ़ेंगे कि कैसे अलग अलग वर्णों में जब हम अंग की मात्रा लगाते हैं तो उनको कैसे पढ़ते हैं, और मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। ठीक है, अब हम हिंदी में पढ़ेंगे कि अंग की मात्रा जब हम वर्ण में लगाते हैं तो उसका उच्चारण हम कैसे करते हैं। तो देखिए, क पर हमने अंग की मात्रा लगाई तो क्या बनेगा, कंग, कन। ख पे अंग की मात्रा लगाई तो खन, खन, गन, गन, घन, घन, चन, चन, छन, छन, जन, जन, झन, झन, टन, टन, ठन, डन, धन, अण, तन, थन, दन, धन, नन। तो आप देख रहे हैं, इन वर्णों में जब हम अंग की मात्रा लगा रहे हैं तो अंग की मात्रा का उच्चारण भी साथ में हो रहा है, मतलब वर्ण के साथ न का उच्चारण हो रहा है। वर्ण के साथ किसका उच्चारण हो रहा है, न का उच्चारण हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी आपने वीडियो देखा कि कैसे हम अंग की मात्रा लगाते हैं और उन वर्णों को पढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि अंग की मात्रा लगा के हम शब्द कैसे बनाते हैं। शब्द भी तो पढ़ना जरूरी है ना, तो चलिए कैसे पढ़ते हैं शब्द देखिए। अच्छा, अब मुझे बताइए क्या लिखा है। अंग, अंग में हमने जोड़ दिया क, तो क्या बन जाएगा, पढ़ के बताइए। अंक, 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 अंक। ऐसे ही अगर मैं बोलूं र पे अंक की मात्रा और क, तो क्या बन जाएगा, पढ़ के बताइए, पढ़ के बताइए मुझे। वेरी गुड, तो बन जाएगा रंक, 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 रंक।
क्या बन गया है? ये बन गया है पंख, पंख, पंख। तो इस तरह से हम अंग की मात्रा लगा के शब्दों को बनाते हैं। और अंग की मात्रा भी दो तरीके की होती है। इसका जो अगला पार्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में सिर्फ हम एक बिंदी वाली मात्रा को ही पढ़ेंगे। अब हम एक वीडियो देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम नए नए शब्दों को बनाते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे अंग की मात्रा वाले शब्द। तो ये क्या है? हंस, हंस, हंस। मंच, मंच, है ना, हंस मंच। अब देखते हैं पंख, पंख। शंख, शंख, पंख शंख। चंदा, चंदा, चंदा। पंखा, पंखा, चंदा, है ना। आप देखते हैं ठंडा, ठंडा, डंडा, डंडा। सो ठंडा, डंडा। अब कंघा, कंघा, घंटा, घंटा। कंघा, घंटा। अब देखते हैं संतरा, संतरा। पतंग, आप देख रहे हैं जब अंक की मात्रा लगा रहे हैं तो न से स्वर निकल रहा है, जैसे संतरा, पतंग। कंचन, 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 कंचन माने सोना। और कंगन, 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 कंचन, कंगन। तिरंगा, तिरंगा, तिरंगा। बंदर, बंदर, है ना। आ रहा है समझ में आप सभी को? अब देखिए मंदिर, मंदिर, मंदिर। जंगल, जंगल, मंदिर और जंगल, है, है ना। तो ये शब्द कौन से थे जिनमें अंक की मात्रा लगी थी, है ना। और आप सभी को अभी पांच पांच शब्दों को याद करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।